हाय दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉफिक हेल्थ डी। हस्त मैथुन से की गई गलती का इलाज, पाचन तंत्र खराब हुआ है उसका इलाज, स्वप्न दोष नाइट फॉल का इलाज, धातु पड़ते हैं उसका इलाज, यानी कि आप ये कह सकते हैं सही भाषा में पुरुषों से जुड़ी ए टू जेड समस्याओं का गजब का समाधान घरेलू उपाय। स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज बताऊंगा दोस्त, जो कि आपको करने होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इसको यूज जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको भविष्य में कभी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हाय दोस्त, मैं हूँ दिनेश। बात करने वाला हूँ इसमें चार पांच ऐसी बड़ी बीमारियों के बारे में, उसके इलाज के बारे में, जिससे आज तक आपको ज्ञात या जानकारी नहीं होगी। और दोस्त, वीडियो पर लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल में लाइक घंटी की उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो हेल्थ संबंधित जानकारी मैं आप तक हर दिन शेयर करूँगा दोस्त। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्त। हस्त मैथुन करना ही नहीं चाहिए। आप बोलोगे ऐसा क्यों, मैं तो रोज करूंगा तो क्या होगा, है ना, आदत ही नहीं मानेगी यार। मजे जो इतने हैं उसमें, मजे है ना, तो मजे को त्यागो, नहीं तो शरीर बाद में सजे देने शुरू कर देगी। गजब की बात बता दूंगा दोस्त, पिता नहीं बन पाओगे। फादर बनने का सपना माँ की कसम टूट 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 चूर चूर हो जाएगा। थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ कॉमेडी करके, इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को कॉमेडी दे, इसीलिए मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ। तो दोस्त, ये चीज हकीकत है कि आप भविष्य में पिता नहीं बन पाएंगे, सही बात बता रहा हूँ। धात पड़ने शुरू हो जाएंगे ज़्यादा हस्त मैथुन करोगे, शरीर वीक हो जाएगी, पाचन तंत्र भी खराब हो जाएगा, वेट गेन नहीं होगा, कुछ भी खाओगे पियोगे हजम नहीं होगा। कहने का मतलब बीमारियों का तो एकदम भंडार लग जाएगा यार। हकीकत में मेरे पास बहुत से लोगों का कॉल भी आता है, बहुत से लोग इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है, टाइमिंग की समस्या, स्वप्न दोष, नाइट फॉल, चिपचिपा पानी, मतलब क्या क्या मैं बता दूँ यार। पुरुषों की जिंदगी चौपट हो गई है यार, ये हस्त में तो साला बना कैसे, में बना कौन दिया, इतनी परेशानी जब देती है यार पुरुषों को। लेकिन अगर कोई भी चीज़ें धरती पे परेशानी देती है तो उसका समाधान और उसका इलाज है। ये जरूरी नहीं इसका इलाज है नहीं यार, है यार, बस वीडियो पे तो बने रहो। समाधान तो एक से एक पहाड़ तक टूट जाता है, तो सारा बीमारी क्या है यार, बीमारी तो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। अब हम बताएंगे करने कैसे होंगे, क्या क्या इलाज करना होगा। बहुत से लोगों को तो गुस्सा आ रहा होगा, सारा बकचोदी बहुत कर रहे हो दोस्त। रिफ्रेश कर रहा हूँ, बकचोदी नहीं कर रहा हूँ दोस्त, अच्छा लगे आपको इसलिए कर रहा हूँ दोस्त। कमेंट कीजिएगा अच्छा कैसा लग रहा है आपको, थोड़े मज़े आने चाहिए दोस्त, मूवी क्यों देखते हो इसीलिए ना। तो इलाज के साथ साथ थोड़ा यार हंसो यार, कहने का मतलब रोमांटिक हो, अच्छे मूड हो आपके, ये जो ना बोरिंग फीलिंग हो, नींद आने लगे, किसी की वीडियो देखो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्त। तो इलाज की तरफ बढ़ते हैं, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे इलाज। स्वप्न दोष अगर होता है, नाइट फॉल, एक बाल्टी पानी रखिएगा, उसमें अपने दोनों पैरों को डुबा करके, ध्यान से सुनिएगा, डुबा करके रखिएगा, और उस पानी में कुछ मिलाना नहीं है। अभी बोलोगे यार तेल मिला ले, ये मिला ले, वो मिला ले, ये सब चीजें मिलाना नहीं, सिर्फ बाल्टी में 15 मिनट तक पैरों को डुबा के रखना, ठीक। पैर 15 मिनट के बाद निकालने के बाद, आप जानते हैं तो बर्फ, अगर आपके घर फ्रिज है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए, अगर है तो सुविधा ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। बर्फ को ऐसे ऐसे अपने पैरों के तलों पे मालिश कीजिएगा, ठीक है दोस्त, ऐसे मालिश जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपकी नाइट फॉल्स की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर ये उपाय आपको नहीं सही लगा है तो दोस्त, मेरे चैनल पे स्वप्न दोष का बहुत ही अच्छा इलाज वाली वीडियो मैंने डाल दिया है। अब बात करते हैं धातु रोग अगर पड़ने लगे तो गूंद कतीरा से बेहतर कोई दवा नहीं है, कोई भी बताता हो कैसे भी नुस्खे, उससे बेहतर कोई इलाज नहीं है धातु रोग का, वाकई में बता रहा हूँ दोस्त। अब पाचन तंत्र खराब है, बार बार शौच जाना पड़ रहा है, कुछ खाया पिया हजम नहीं होता, इसके लिए क्या करें, बहुत सारी समस्याएं ऐसी बन रही हैं, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अम्बा हल्दी आती है पंसारी की दुकान पे, 10 से 20 रुपये में मिल जाएगा आपको। एक गिलास गुनगुना पानी कीजिएगा, एक चुटकी अम्बा हल्दी को उस पानी में डाल दीजिएगा, ठीक। डालने के बाद सुबह खाली पेट आपको पीने होंगे, मैंने वीडियो बनाया भी था इसके पहले दोस्त, तो डाल के पीजिएगा, 15 दिन गैप गैप करके आपको पीने होंगे, बहुत मज़ेदार गजब का फायदा करेगा। पाचन तंत्र एकदम, वो क्या बोलते हैं यार, लोहा, लोहे को भी हजम कर देगा, हकीकत में लोहा तक पच जाएगा।
वेट गेन ऑटोमेटिक होने लगेगा, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। वेट गेन जो आपका परेशानी होती है कि वेट गेन ये होने लगेगा जब खाया पिया पचेगा पानी तक शरीर को लगना शुरू हो जाएगा। टाइमिंग तो एंड में आता है, बहुत मजे लिए हो ना, तो टाइमिंग की समस्या के लिए तो एंड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है, टाइम बेहतर नहीं है तो ज़िंदगी चौपट है दोस्त। तो टाइमिंग के लिए कम से कम 5-6 वीडियो मेरे चैनल पे होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा जाके वीडियो को देखो और उपाय को, गजब का उपाय बताने वाला हूँ टाइमिंग के लिए। दोस्त चाहे जैतून का तेल मिल जाए आपको और या फिर सरसों का तेल मिल जाए या फिर आपको वो क्या बोलते हैं यार तिल का तेल मिल जाए, दोस्त किसी का कॉपी नहीं करता हूँ, मैं किया हूँ करवाया भी हो बहुत से लोगों के लिए। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कितने बीमारियों से गुजर चुके हो, 26 साल उम्र है 26 बीमारियों से तो गुजर ही चुका हूँ, गजब हकीकत तो बता रहा हूँ दोस्त। तो किसी भी तेल से मालिश कीजिएगा, ये हुआ खजूर और दूध का सेवन जरूर कीजिएगा एक महीने तक, टाइमिंग की समस्या खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। वाकई में दोस्त ये इतने सारे नुस्खे थे, स्वप्न दोष का इलाज, धातु रोग अगर पड़ते हैं उसका इलाज, पाचन तंत्र खराब है उसका इलाज, और ये क्या कहते हैं टाइमिंग की समस्या, इतनी सारी समस्याएं हैं, अगर ख़त्म हो गई तो शरीर चौड़ी हो जाएगी। लोग कहेंगे यार चौड़िया रहे हो क्या भाई, तो ये समस्या आपकी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टिप्स को लेकर, नेक्स्ट चैनल संबंधित वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अभी तक नहीं किया तो जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे टिप्स रोमांटिक भरी बातें आपका दोस्त आप तक शेयर करता रहेगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट टिप्स को लेकर, तब तक के लिए जय।